ये कहानी है चितवन के विस्मयी जंगलों की, जहां जादुई मशरूम उगते हैं। कहते हैं कि जो ये मशरूम खा ले उसे वो सारे उत्तर मिल जाएंगे जिनकी वो तलाश में है। पर आज तक न जाने कितने ही लोग मशरूम की तलाश में निकले पर कभी वापस नहीं लौटे। बताते हैं कि इन जंगलों में एक ऐसा जीव रहता है जो यात्रियों की तलाश बीच में ही रोक देता है। पर तब भी मशरूम की खोज जारी है। मुसाफिर मुसाफिर मुसाफिर, तू मशरूम की तलाश में यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन यहाँ से आगे तू मेरी मर्जी से ही जा सकता है। तू कौन है? मैं नारथुरु, ये जंगल मेरा है और यहाँ के नियम भी। न जाने तेरे जैसे कितने मुसाफिर यहाँ तक आए, पर ये जान ले, अगर तू यहाँ से आगे जाना चाहता है तो तुझे मुझे एक कहानी सुनानी होगी। उसके अंत में तू मुझसे एक सवाल पूछेगा जिसका जवाब मेरे पास ना हो, इसी शर्त पर तू यहाँ से आगे जा सकता है। कहानी? कैसी कहानी? वो तेरी सोच और समझ पर है, पर ये जान ले कि आज तक मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं कर पाया जिसका जवाब मेरे पास ना हो, और जो मुझसे ऐसा सवाल नहीं कर पाया उसका हश्र तू देख ही चुका है। मैं यहां से चला जाता। तू चितवन के समय काल चक्र में फंस गया है, यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर तू यहां से आगे जाना चाहता है तो जल्दी कुछ सोच सोच सोच, वरना। तो सुन नारथुरु, बहुत समय पहले की बात, एक खुशहाल राज्य था। वहां के राजा को न्याय का प्रतीक माना जाता था। अच्छा? लोगों का मानना था कि उसे स्वयं ईश्वर ने नियुक्त किया था और वो राज्य
वो राज्य कुल 3 वर्गों में विभाजित था, श्रेष्ठ वर्ग, योग्य वर्ग और शूद्र वर्ग। एक दिन उनके पास न्याय के लिए एक मुकदमा आया। अच्छा, महोदय, इसने मेरी पत्नी को मारा है। क्या ये सच है? जी जज साहब, लेकिन मैं जानबूझकर। अब मुझे ये बताओ, तुम किस वर्ग से हो? जी, मैं श्रेष्ठ वर्ग से हूँ। और तुम? जी, मैं भी श्रेष्ठ वर्ग से हूँ। तुम्हारे गुनाहों और तुम दोनों के वर्गों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हारी पत्नी को मारा जाएगा। पर जैसा, वो तो 10 साल पहले मर गई। ऐसी स्थिति में तुम्हारी बेटी को मारा जाएगा। बेटी जैसा, बेटी जैसा। शुक्रिया महोदय। इसने मेरी पत्नी को मारा हुजूर, इसने। क्या ये सच है? जी, पर मैंने जानबूझकर ये कर। अब मुझे ये बताओ, तुम किस वर्ग से हो? जी, मैं श्रेष्ठ वर्ग से हूँ। और तुम? जी, योग वर्ग से। तुम्हारे गुनाहों और तुम्हारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें इसे 10 तोला सोना देना होगा। ठीक है जज साहब। जज साहब, इसने मेरी बीवी को मारा है। जज साहब, क्या ये सच है? जी जज साहब, लेकिन मैंने जानबूझकर ये कतल। अरे, तुम तो श्रेष्ठ वर्ग से हो ना, और तुम किस वर्ग से हो? जी, शूद्र। तुम्हारे गुनाहों और तुम्हारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें इसे 5 पीतल के बर्तन देने होंगे। जी बिल्कुल। तो बताओ नारतूरो, आखिर ये कैसा न्याय हुआ जिसमें एक जान की भरपाई तो दूसरे जान से हुई, और दूसरे जान की भरपाई सोने के सिक्कों से, और तीसरे जान की भरपाई पीतल के चंद बर्तनों से हुई? और तो और, जो हत्याएं कर रहा है उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बताओ नातुरो, ये कैसा न्याय हुआ? वाह मुसाफिर वाह, तू तो बड़ा तेज निकला। मैं तेरे सवाल के जवाब के साथ फिर आऊंगा। उससे पहले तो निकल सकता है तो निकल जाओ।